इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. सपोज अ मैट्रिक्स ए, लेट अस अंडरस्टैंड दिस मल्टीप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. इफ मैट्रिक्स ए इज 1 2 3 4, द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 × 2, एंड मैट्रिक्स बी इज 5 7 5 6 7 8 9 10, एंड द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 × 3. सो वी नीड टू फाइंड ए बी, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी. सबसे पहले चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं. तो चेक करेंगे यहाँ से, इसके कॉलम और इस मैट्रिक्स की रोज सेम होनी चाहिए. सेम है तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं. देन नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा वो हमें पता लगेगा यहाँ से, इसकी मैट्रिक्स के रोज और इस मैट्रिक्स के कॉलम. सो द मैट्रिक्स, न्यू मैट्रिक्स ए एन टू बी ऑर्डर इज 2 × 3. नाउ लेट अस लुक एट हाउ टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस. सो वी नीड टू फाइंड ए बी. सो राइट ए मैट्रिक्स हियर 1 2 3 4, एंड राइट द बी मैट्रिक्स हियर. द बी मैट्रिक्स इज 5 7 6 7 8 9 10, लाइक दिस. सो हाउ टू मल्टीप्लाई इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेक द रो वन मल्टीप्लाइड विद कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रेस्पेक्टिवली. सो रो 1 मल्टीप्लाइड विद कॉलम 1. नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग रो 1. सो रो 1 इज 1, इफ आई राइट इट इन द वर्टिकल फॉर्म इट इज 1 2, एंड व्हाट इज कॉलम 1? कॉलम 1 इज, व्हाट इज कॉलम 1 हियर? कॉलम 1 इज 5 6. सो व्हाट वी नीड टू डू नाउ, तो रो 1 मल्टीप्लाइड विद कॉलम 1, राइट. सो द फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाइड विद द सेकेंड एलिमेंट. सो दिस 1 मल्टीप्लाइड विद दिस 5, सो 1 × 5 5. देन द इम्पोर्टेंट थिंग इज विच साइन वी नीड टू पुट हेयर, प्लस साइन इन बिटवीन दिस. देन दिस 2 सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाइड विद द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द कॉलम. सो 6 2 12. सो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट. नाउ दिस रो 1, अगेन दिस रो 1 मल्टीप्लाइड विद कॉलम 2, दिस रो कॉलम 2, कॉलम 3. सो पहले हम लोग क्या करेंगे, रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हाट इज कॉलम 2? लेट मी राइट इट हियर, 7 8. ये मल्टीप्लाई हो चुका है तो इसको आई कट दिस. नाउ व्हाट द एलिमेंट आई नीड टू राइट हियर, 1 × 7 इज 7. देन प्लस द फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड विद 7, सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाइड विद 8, 2 × 8 16, राइट. नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाइड विद द थर्ड कॉलम 9 and 10. सो नाउ व्हाट वी नीड टू राइट, 1 × 9 9. देन वी नीड टू पुट प्लस साइन, 2 × 20, राइट. ऑल द कॉलम्स आर फिनिश्ड. नाउ नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू राइट रो 2. Now we need to write row 2. After this, we need to write row 2. So what is row 2? Let me write it on this side. So what is row 2? Let me write row 2 here. Row 2. Now this is the row 2. We need to multiply row number 2 with column 1, column 2, column 3. अब हमें row 2 को column 1 से, column 2 से, column 3 से multiply करना है. So row 2 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे. Row 2 is 1 3. लेट मी कट दिस रो 1. सो वी डू नॉट नीड दिस रो 1 नाउ. नाउ लुक एट दिस, दिस रो 2 इज मल्टीप्लाइड विद दिस एलिमेंट. सॉरी, यस, इट्स 3 4. ओके, इट्स 3 4, यस इट्स 3 4, एंड इट्स कॉलम 1 इज, कॉलम 1 it is 5 6. so first of all multiplied with the column 1, this row 2 multiplied with column 1, then column 2, then column 3. so 3 × 5 15, 4 × 6 24. again this row 2 multiplied with column 2, 3 × 7 3 × 7 21, 4 × 8 32. Then it's this 3 multiplied with 9, 3 × 9 27, 4, then plus sign, 4 × 10
40. So the order for this matrix is 2 into 3, and the final answer in this case is, if we solve it, then we will get the final answer. So the answer in this case is 17, it's 23, it's 29, 39, 53. So this is the multiplication. So what is the concept here in multiplication is, the concept in the multiplication is, to multiply, we need to multiply row 1 with all the columns of the second matrix. Then we take row 2 multiplied with the column of each column with the second matrix. And one important thing is, after multiplying the first corresponding element with the first, then we need to put the plus sign in between that. Right? I hope it is little bit clear to you all.